वगैरह देख लेते। अच्छा, यूपीवीसी भी आता है क्या? बाथरूम में कैसा दरवाजा जाएगा? बाथरूम के लिए ये सब है। इसका कैसे स्क्वायर फीट है ये? गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, सुप्रभात। सुबह के 10 बज गए और आज मूड मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्या हुई? कुछ उतिये लोगों के वजह से, कुछ उठते के साथ दिमाग खराब करते हैं तो कुछ सोने के पहले। रात में सोया भी मैं लगभग 3 बजे था और 5:30 या 6 बजे से उठा हुआ भी, 6 बजे से, और नींद आ भी नहीं रही है वैसे भी। नहा वगैरह भी लिया था, मूड फ्रस्ट्रेटेड था तो मैंने पूजा वगैरह भी आज नहीं किया है, लेकिन बाहर जाते हैं, चलते हैं, कुछ काम वगैरह है बाहर, वहाँ पानी वगैरह भी देना है तो निकलते हैं, मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। अजीब अजीब सी ट्रेजिडीज होती रहती है। अब देखो, यहाँ आया हूँ तो ना जाने कब से लाइट नहीं है। दिक्कत ये है कि पता नहीं लाइट कब देगा। मोटर चलाना था तब तो पानी मारना था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप परेशान रहो तो परेशानी ही बार बार आती है, और मेरे साथ तो चुतियापा सुबह सुबह ही हुआ था। किसी के ऐसे इंसान का आवाज़ सुन लिया था मैंने जिसका परछाई तक देखना भी पसंद नहीं मुझे, तो एज एक्सपेक्टेड ये चीज़ होना ही था। खैर, क्या कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे से लगभग बैठा हुआ और लाइट अभी भी नहीं आई है। अब क्या बोलूं और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताओ। दिन खराब हो गया आज और मूड ऐसे ही चिड़चिड़ा गया है। चलो घर ही चलते हैं। अब हम लोग आ गए बिहार प्लाई हार्डवेयर। यहाँ खिड़की वगैरह बनवाना था ना, तो इसके लिए, और ये यहाँ भी खिड़की बनता है तो देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि खिड़की बनवाना है ब्राउन में और व्हाइट में, आपको 310 रुपये स्क्वायर फीट बनेगा जाली के साथ मच्छर वाला, और ये ऊपर, ये ऊपर 600 बनेगा। ये भगवान क्या जुलूम है, क्या चीज का है? अभी एल्युमिनियम में, तो इसमें इतना खाई थी सीधा डबल क्यों? कलर का पैसा होता है वैसे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और ये 310, ये 300 रुपये, वो 300 क्यों? शीशा कैसा रहेगा? इथी वाला, ये दोनों साइड से वाला है, मतलब एक साइड से ब्लैक है। हाँ, ये शीशा लगवाए या इस शीशा लगा कोई फर्क? क्या वगैरह देख लेते। अच्छा, यूपीवीसी भी आता है क्या? बाथरूम में कैसा दरवाजा जाएगा? बाथरूम के लिए ये सब है। इसका कैसे स्क्वायर फीट है ये सब? पर पीस है कितना, कैसे है, कैसे पीस है? 6200-6800। बाप रे, तो महंगा लग रहा है। क्या चीज वाला है? सब ग्रीन का है, ये सब ग्रीन का है, ग्रीन प्लाई का है। ये क्या चीज का है? एल्युमिनियम वाला तो नहीं लग रहा, एल्युमिनियम वाला फाइबर है। अच्छा, दिखाइए दरवाजा, दिखाइए कैसे, क्या रेट पड़ रहा है? 7x3 होगा या 3.5 होगा? तो ठीक है, कुछ ऑर्डर से बन के आएगा, डिजाइन में सब आएगा। ये सब कौन सा प्लाई है? आस्था का प्लाई है, सब प्लाई वाटरप्रूफ। कितना गारंटी वगैरह है कुछ? सब पर 10 साल में गारंटी रहता है। थोड़ा ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए ना वीडियो में। इस नसन में का सटा हुआ है ये वाला, अब आउट ऑफ इथी हो गया ये वाला, ज्यादा लोग लगवा रहा है, उससे हेवी होता है ये। अच्छा,
लेकिन आजकल देख रहे हैं ना, नया घर में जितना भी इस टाइप का लगल है देख रहे हैं। ठीक है, ये सब सनमाइका वाला है, तो ये सब लगल आएगा ना, बनाना पड़ेगा, अलग अलग मटेरियल मिलेगा ये। अच्छा, इसमें दोनों साइड ही है। इसका क्या रेट पड़ता होगा, क्या पड़ेगा? 270 रुपए स्क्वायर फीट। इसका 270 रुपए स्क्वायर फीट और इसका 400 रुपए स्क्वायर फीट। तो उसका एक लॉक का 2800-3000 तक पड़ जाएगा ना। हार्डविन का है, तो एक दरवाजे में 65,000-7,000 रुपये लगभग खर्च आना पड़ रहा है। तो ये था दरवाजा खिड़की का, और ऊपर से दरवाजा नहीं लाकर छोड़ने वाला। घर पे तो आ गया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ ना कि राहुल गांधी एंड टीम को रिलने का प्रोग्राम बना लूँ, तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे रिलना है। कुछ मेन पॉइंट्स लाते हैं ढूंढ के इंटरनेट से उन्हीं का, जिसके बाद उनको रेला जाएगा बढ़िया से। तो रेलाई का तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं तैयारी करने के बाद। लिटरली एक बात बताओ मुझे, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग, मतलब इसलिए हमारा देश इतना पीछे है, बस इसलिए हमारा देश इतना पीछे है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी रिसर्चेस की है और देखा है डिफरेंसेस। एक बात बोलूँगा ना मैं, अगर कांग्रेस के हाथ में फिर से देश दोगे ना, वो फिर से 50 साल पीछे लेकर चली जाएगी, नो डाउट पीछे लेकर चली जाएगी। अब देखो, हर इंसान के ना हेटर्स होते हैं और लवर्स होते हैं। आप एक बात ये जान जाओ कि आप भी हर कहानी में हीरो नहीं होगे, आप चाहे लाख अच्छे होगे ना, तो किसी ना किसी के कहानी में विलेन जरूर होगे, कोई ना कोई आपसे नफरत जरूर करता होगा। तो 140 करोड़ की जनता में 140 करोड़ लोग सिर्फ एक पार्टी को नहीं चाह सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेंटलिटी को बदल सकते हो, अपनी सोच को बदल सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ मैंने नोटिस किया, मैंने देखा किस तरीके से लोग कहाँ की बातों को कहाँ लेके जाते हैं और किस तरीके से लिटरली बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा ना, बोलते रहते हैं कि गरीबी मिटाना है। यह कांग्रेस के दादा बाप माँ सब दादी सब बोलते आ रही है, लेकिन किसका गरीबी मिटाना है? मेरा सवाल यही है, किसका गरीबी मिटाना है? गांधी परिवार का छोड़ के और किसी का गरीबी नहीं मिटा है। लिटरली मैंने सर्चेस तो कर लिया पॉइंट वाइज, और किस तरीके से जीडीपी को लेकर मजाक बनाया जाता है, किस तरीके से देश ग्रोथ कर रहा है ना, वो सब मैंने नोटिस किया। तो एक बात तो मेरी आँख खुली कि देश का तरक्की चाहते हो ना, तो एक नया पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन बर्बाद है, और अपोजिशन का होना भी जरूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना जरूरी है। ऐसे लोगों से कुछ नहीं होगा। एक कहावत सुनना होगा आपने, कभी के चोर चोर मौसेरे भाई। तो अभी सारे अपोजिशन एक हो गए, क्यों? सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए, सारे चोर चोर मौसेरे भाई, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। इस पे डीप में मैं बात करता हूँ क्यों। और एक बात और बोलूँ, हिंदूज के लिए है, सिर्फ स्पेशल चाहते हो तुम्हारा अस्तित्व तो बचा रहे, चाहते हो तुम बचे रहो, चाहते हो तुम्हारे माँ बहन बेटी तुम्हारे घर जायदाद बचे रहे, तुम्हारा संस्कृति बचा रहे, तो अपने यहाँ से एक चीज़ निकालो। जो ये बात समझ जाओ, बंटवारा करके ये लोग राजनीति करते हैं, तो ये भीम को कोई तो कोई सेक्युलर मत बनो, अपने संस्कृति के लिए लड़ो। अगर आप अपने धर्म के लिए और संस्कृति के लिए नहीं लड़ सकते हो ना, तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है, आपसे नीच कोई नहीं है, आपसे घटिया कोई नहीं है। बस मैं इतना सा बोलना चाहूँगा, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का जोत है, और कांग्रेस को हटाने का जोत है, एक बार फिर से बीजेपी को लाने का जोत है,
बाकी मिलते हैं फिर कल आगे अगले वीडियो में।